सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट व सीवरेज निकासी के लिए बनाए गए पंप हाउस की मोटरें खराब होने के कारण शहर के कई हिस्सों में सीवरेज ओवरफ्लो हो गया, जिसके कारण यहां दुकानों के सामने व सड़क पर गंदा पानी एकत्रित हो गया। वहीं आम जन को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दुकानदारों व स्थानीय लोगों ने मिलकर शहर के ओवर ब्रिज पर अवरोध डालकर दिल्ली नारनौल मुख्य मार्ग को जाम करके रोष प्रदर्शन किया। जाम के कारण रोड के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। बाद में जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर एक सप्ताह में समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। ये करीबन 2017 से कंटिन्यू सीएम विंडो में दुकानदार भाई एप्लीकेशन लगा रहे हैं, बार बार एक्शन जेई सबके ऑफिस में चक्कर काट काट के थक गए हैं। दुकानदारी इनकी ठप हो चुकी है, दुकानें बंद रहती हैं, ग्राहक आने बंद हो गए। इनके बाहर दुकान से 15 फीट तक कम से कम 6 इंच भरा हुआ सीवर का पानी चलता है, और इन्होंने पीछे डिस्पोजल को भी लॉक किया था। वहाँ पर एक्शन ने आके विश्वास दिलाया था कि 15 दिन में हम इसको रेगुलर चला देंगे। उस बात को भी आज 7-8 महीने हो गए हैं। इन्होंने अंत में आके कल 3 दिन से डीसी ऑफिस में, एसपी ऑफिस में एक्शन पब्लिक हेल्थ को इन्फॉर्मेशन दे रहे, जी हम मजबूर हैं, हम बीमार हो रहे हैं, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, यहाँ पर एजुकेशन एरिया पड़ता है, लाखों हजारों बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, तो कल हम जाम लगा रहे हैं। किसी के सिर पे जूं तक नहीं रहेंगी। लास्ट में दुकानदारों ने मजबूर होकर आज अपनी दुकान बंद करके, इन्होंने सोचा कि दुकान में 500 रुपये कमाएंगे, इससे वो बच्चों में लग जाएंगे बीमारी में, इससे अच्छा तो हम जाम पर बैठ जाएंगे, अगर हम यहाँ बैठेंगे तो हम 500 रुपये की दिहाड़ी खोकर स्वस्थ रह जाएंगे। इन्होंने आज रोड पर जाम लगाए। एक हमारे युवा साथी एडवोकेट साहब हैं, इन्होंने आगे एक्शन से बात करी, एक्शन तो नहीं पूछे, एक जेई साहब पूछे, अभी वो असमस जसमस हैं कि मैं क्या फैसला लूं। तब तक हम यहीं खड़े हैं, वकील साहब हमारे साथ खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि अगर जाम यहाँ पर एक्शन साहब ने अभी काम नहीं चला था, हम दोबारा जाम लगाएंगे। दुकानदार साथी जो पिछले काफ़ी समय से परेशान हैं, बार बार प्रशासन को लिख रहे हैं, एक्सीएन को लिख रहे हैं, और इन्होंने सीएम विंडो पर भी इस बारे शिकायत दी थी कि इनकी दुकानों के सामने गंदा पानी, सीवर का पानी इकट्ठा हो जाता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये मामला 2017 से चल रहा था। इस बारे प्रशासन को सूचित करने के लिए, प्रशासन की आंखें खोलने के लिए इन्होंने जाम लगाया। मेरी रिक्वेस्ट पर इन्होंने जाम को विड्रॉ किया और अब मैं इन भाइयों के साथ हूं, इस समस्या का हम निपटारा करेंगे। एक्सीएन से मेरी बात हो गई है, एक्सीएन ने अपने सबॉर्डिनेट जेई को यहां भेज दिया है। जेई इस समस्या क्या समाधान कर हो सकता है उस पर लगा हुआ है। अगर ये नहीं लगेगा तो हम इन दुकानदार भाइयों के साथ हैं, पूरी सरकार दुकानदार भाइयों के साथ है। इनकी जो भी समस्या होगी सरकार उसको प्रायोरिटी से लेगी और उसको सॉर्ट आउट करेगी। जो अधिकारी जिसने कोई गलती की है सरकार उस बारे भी संज्ञान लेगी और उसके खिलाफ जो भी बनता होगा वो कार्रवाई भी करेगी। तिकोना पार्क पे जो DWC पाइप आए हुए हैं उनको बाईपास कर देंगे। बाईपास करने के बाद जो मैनहोल टूटा हुआ है उसको रिपेयर कर देंगे। RCC का नया मैनहोल बनाएंगे यहाँ पे, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। जो अभी ओवरफ्लो है वो बंद हो जाएगा। क्या समस्या थी ये ओवरफ्लो की समस्या है? जो मैनहोल टूटा हुआ है उसको रिपेयर कर दिया जाएगा। अभी DWC पाइप मंगवा दिए गए हैं और लाइन को बाईपास करके इसको ठीक करवा दिया जाएगा। स्थाई समाधान अभी कर देंगे हम, हफ्ता 10 दिन का टाइम मिलेगा उसमें हम कर देंगे। बाईपास होने के बाद इस स्थाई समाधान कर देंगे, जल्दी हो जाएगा। चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। समय समय पर ताज़ा जानकारी के लिए जुड़े रहिए यस टीवी के साथ।